चलिए लेट्स स्टार्ट। पर यहाँ के मुर्गे सोने नहीं देते। कम ऑन यू कैन डू इट। अरे 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 लेट्स गो। मॉम डोर लॉक करके चली गई है, चाबी अंदर ही है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग भाई? आज मेरे को मेरी वाइफ ने हेलमेट पहना दिया है, गाड़ियां तैयार हो गई हैं, पर मुझे मालूम नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरे लिए भी सरप्राइज है, आपके लिए भी सरप्राइज है। टाइम हो रहा है 9:51 मैंने, धूप थोड़ी सी तेज है पर हवा चल रही है। पर यहाँ के मुर्गे सोने नहीं देते यार, रात को 12 बजे चालू हो जाते हैं कुकुड़कू, फिर 2 बजे चालू हो जाते हैं कुकुड़कू। नींद से कितनी बार उठना पड़ता है उनको समझाने के लिए। बने रहिए जर्नी में साथ, चलते हैं देखते हैं पता नहीं कहाँ लेके जा रही है वो आज बिना बताए। चलिए लेट्स स्टार्ट। Let's go. Where we are going? तो ये सरप्राइज विजिट हमको ले जा रही है माउंटेन्स के बीच में। तो मैंने सोचा कि जल्दी से कैमरा चालू कर लिया जाए, नहीं तो कहीं ये नज़ारे मिस ना हो जाए। Are we going down or what? अभी हम एक जगह रुके हैं सॉफ्ट ड्रिंक लेने के लिए, नॉट सॉफ्ट ड्रिंक, पेट्रोल लेने के लिए। ओके, हम यहाँ रुके हैं पेट्रोल भरने के लिए। यहाँ पे नॉर्मली स्टोर्स में भी पेट्रोल मिल रहा है। मैडम छुप के खड़ी हो गई अंदर जाके। तो मुझे लगा हम सॉफ्ट ड्रिंक लेने के लिए रुके हैं, लेकिन हम एक्चुअली पेट्रोल भरने के लिए रुके हैं, क्योंकि अभी और हमको 20 किलोमीटर समथिंग जाना है आई थिंक। सो ये चीज़ें दुबई में मिलती नहीं है, मतलब ऐसी जगह, थोड़ी बहुत गर्मी, थोड़ी बहुत ठंडक। दुबई में तो सिर्फ गर्मी गर्मी है, तो यहाँ पे आके ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे रखा हुआ पेट्रोल यहाँ पे रेड और नॉर्मल ग्रीन, पता नहीं। पेट्रोल भी भर गया, 2 सॉफ्ट ड्रिंक भी आ गई, एक पानी की बोतल भी आ गई, आराम भी कर लिया। अभी वापस चलते हैं। एंड द पावर ऑफ दिस इज ऑल्सो आई थिंक 125 सीसी 200 kg होने। अभी हम रास्ते में रुक गए थे आंटी से मिलने, अब हम वापस जा रहे हैं। मेरी बीवी ने मुझे आगे 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 बोल बोल के बहुत ज़्यादा आगे ले आई। ऐसे नज़ारों के पैसे देने पड़ते हैं इस दुनिया में। अब हम यहाँ आंटी के यहाँ गए थे अभी ऊपर, अब वापस घर की और रवानगी। घर जाने से पहले हम शायद उस माउंटेन पर जाएँ जहाँ ये बोल रही थी रास्ते में। फाइनली आफ्टर लॉन्ग ड्राइव, गलत जगह मुड़ना, गलत जगह पहुंचना और फिर वापस यहाँ आना। जैसे तैसे ऊपर चढ़ के हम आए हैं और यहाँ से अभी मैडम के साथ और ऊपर जा रहे हैं। अभी यहाँ से व्यू है ऐसा,
चलते हैं। अरे यहाँ पे तो बैरिकेडिंग की हुई है। हाँ नहीं बैरिकेडिंग नहीं है। बाइक हमने आधे रास्ते में छोड़ दी, पैदल पैदल ऊपर जा रहे हैं। थोड़ा सा ज्यादा फैट है, उसी में हमारी हालत पतली हो रही है। धूप है लेकिन इतनी ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन व्यूज बहुत अच्छे हैं। कम ऑन यू कैन डू इट। मैडम की तो हालत हो गई है पतली। आप तो व्यूज देखिए, और ऊपर जा रहे हैं हम। यहाँ पे एक ऊपर शायद रिजॉर्ट भी बन रहा है, अभी और ऊपर जा रहे हैं। हालत सबकी पतली है, इस रास्ते से अभी और ऊपर जा, यहाँ तक आ जाती है इजीली गाड़ी, पर हम लोग कभी ऊपर आए नहीं है और ये लोग भी एक्चुअली कभी नहीं आए, तो इनको नहीं मालूम था कि और कितना ऊपर है। सब ऐसे चल रहे हैं जैसे सबकी थोड़ी थोड़ी हो चुकी है। तो पहले ऊपर चलते हैं फिर मैं वापस शूट करता हूँ, नहीं तो और टाइम लगेगा ऊपर पहुँचने में। और मैं इंडिया में किसी हिल स्टेशन अभी तक गया नहीं हूँ जहाँ से ऐसे नज़ारे दिखे हों मुझे। यहाँ एक रिजॉर्ट भी बन रहा है ऊपर, और भी ऊपर है, काफ़ी रास्ता है ऊपर जाने का। हमारी तो हिम्मत जवाब दे गई। फाइनली मैडम आ गई है ऊपर। हेयर वी कैन गो लाइक, जस्ट टू मेक वीडियो वी ऑल केम हियर, जस्ट टू मेक वीडियोस फॉर यू गाइस, वी गोइंग दिस काइंड ऑफ प्लेसेस। व्हाट यू नीड? मटन? ऑलरेडी नीड मोटर बाइक। अभी फिर से हमने अपना रास्ता चेंज किया है, ये बहुत ऊपर है यार। गाड़ी तो अपने आधा किलोमीटर एक किलोमीटर नीचे छोड़ दी। अरे बाप रे, रास्ता देखो आप, ये एक साइड गिर रहा है पूरा रास्ता। अरे 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 स्लोली, नो मे बी डेथ द वे ओनली, दिस इज रॉन्ग टर्न, दिस इज रॉन्ग टर्न। My wife is walking like she's high on tiredness. अब हम फिर से इस पे जा रहे हैं। Wait, let me go. Come. मैडम को खींचना पड़ रहा है। नीचे जाते टाइम पता नहीं क्या होगा। One, two, one, two, one, two. Haba, to come this high, it's worth it, right? हम वहाँ जाने की सोच रहे थे, पर मैं कैंसिल करता हूँ, ऊपर जाने की बस की नहीं हो रही। और यहाँ से स्थिति का व्यू सही है, मस्त एकदम ग्रीन ग्रीन, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ग्रीन। ऊपर से बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने कॉटन रख दिया ऊपर से। ये लोग तो थक गए, तो सब पेड़ के नीचे बैठ गए। मैं भी थक गया हूँ, पर अगर मैं नहीं शूट करूँगा तो कोई भी शूट नहीं करेगा। मेट्रो सिटीज में ना घूमने का हमारा फैसला सही साबित हुआ। तो अभी हम ऊपर चलते चलते इस रिजॉर्ट के कंपाउंड में आ गए। कंपाउंड के पीछे तो कुछ अलग ही व्यूज हैं। मैडम को पिक्चर चाहिए, कृपया आप वेट करें। यह है पीछे का व्यू इस कंपाउंड के। ऐसे व्यू के लिए मैं सुबह से तरस रहा था, और अभी मेरा फोटो सेशन चल रहा है। Now people calling us to another site. उस जगह से फिर व्यूज लेते हैं। होप आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ठोक के जाना एकदम। यहाँ के लोग वैसे बहुत वेलकमिंग है। तो ये हमको अलाउ कर रहे हैं ऊपर जाना। ओह ये दूसरा ब्लॉग चल रहा है इधर। They let me in first. Very nice to know. जब ऐसे व्यूज यहीं मिल जाते हैं तो सिटीज में जाने की जरूरत क्या है? Yes, Kanu. जाना तो वहाँ था, वहाँ जाने का रास्ता नहीं था शायद कोई सीधा, तो हमको यहाँ अलाउ कर दिया। हमारी गाड़ी यहाँ कहीं हमने खड़ी कर दी थी। अभी वापस फिर 2 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा गाड़ी तक। कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। अभी वापस जाने का टाइम हो गया। एक चीज़ यहाँ पे ऐसी है कि आपको सब हर चीज़ के लिए अलाउ करेंगे, और फिर आपसे पूछ लेंगे कहाँ से हो, क्या है वो, फिर रिश्तेदारी निकल जाती है। अभी पैरों में जान नहीं बची है, दोनों पैर ऐसे 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 चल रहे हैं सीधे जाने की जगह। फ्रॉम द वे वी केम नाउ वी नीड टू रोल डाउन फ्रॉम द सेम वे। ये यहाँ का व्यू पीछे का। Go where? Roll can. Roll. Yeah, roll down. And we're rolling.
तो अब घर जा रहे हैं, वापस नीचे जा रहे हैं उसी रास्ते से, गाड़ी तक पहुंचते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। नॉर्मली ऊपर जाते टाइम जितना एनर्जी लगती है, नीचे आते टाइम उतनी नहीं लगती। सूरज देवता का प्रकोप जारी है हम पे, ऐसे लग रहा है कोई एनर्जी को चूस रहा है। बट वादियों को, पहाड़ों को देखते हुए जा रहे हैं नीचे, तो ठीक है, एनर्जी बरकरार है। इट्स वेरी हॉट नाउ एंड फाइनली वी रीच टू आवर बाइक्स, टाइम टू गो होम, इट्स गेटिंग हॉट। सो नाउ वी आर गेटिंग रेडी फॉर अ राइड अगेन, गोइंग होम। वन बाइक देयर, वन बाइक हियर, लेट्स गो। घर जा रहे हैं क्योंकि 12 से ऊपर हो गया है आफ्टरनून और सन इज गोइंग टू किल अस विद हिज हॉटनेस। ऊपर से व्यू काफी अच्छा था, अगर यहाँ पे कोई जगह भी होती कैंपिंग वैम्पिंग करने की तो और ज्यादा मजे आते। तो हम अभी सॉलिडरी पार्क ऑलिडरी टी पार्क में आए हैं। घर जाते जाते ये बोनस छोटा सा डैम बना हुआ है, यहाँ नीचे जा सकते हैं पर हिम्मत नहीं है, जाने की तो है लेकिन वापस आने की नहीं है। उस ब्रिज से सीधे जाएंगे तो इस माउंटेन्स में जा सकते हैं। ये छोटी सी जो चीज़ दिख रही है आपको, हट और घर टाइप की, मैडम बोल रही है वहाँ पे जाएंगे शाम को, पता नहीं आज की शाम या कब की शाम, वो नहीं मालूम। आज की शाम पीछे मेरे आपको चैपल दिख रहा होगा, बंद है अभी तो, नहीं तो इसके अंदर भी जाते। मस्त अपनी फैमिली के साथ आए हैं ऐसी जगह पे, बैठे चिल करें दो चार घंटे, बातें करें 4-5-7 मिनट चिल करने के बाद आपको वैसे भी समझ आ जाएगा, आप फ्लो में हो जाएंगे कि हाँ यार यहाँ पे रिलैक्स करने के मजे ही अलग है। यहाँ पे भी एक ऊपर कॉटेज बना हुआ है, सीढ़ियाँ लगी हुई है, मैडम आवाज लगा रही है, ओपो ओपो क्लिक चप तेरी तो। चलो चलो घर चलो भैया, बहुत हो गई मजाक, लेट्स गो होम, सी यू एट होम। तो अभी आपको मिलते हैं घर पे डायरेक्ट। फाइनली हमारी घर वापसी हो गई है, जल जल के, मैडम तो मजे ले रही है आके, हम जल रहे हैं, ये देखो मैडम मजे ले रही है हालो हालो के, फिलिपिनो फलूदा। ओके थोड़ा आराम करते हैं फिर आपसे मिलते हैं और बातें करते हैं। घर आते ही सबसे बड़ा कांड हो गया, तो हमारे रूम का डोर लॉक है, हम लोग बाहर हैं, मार्केट चली गई है, चाबी अंदर है, पता नहीं कैसे खुलेगी, देखते हैं। 4 hours later. Hey guys, welcome back. Finally, अपना रूम खुल गया, 3-4 घंटे का गैप है अभी इसमें और उस लास्ट शॉट में। एक और चीज दिखाता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग हुई मेरे साथ, यहाँ से दिखेगा आपको बॉडी पे डबल शेड आ गया क्योंकि धूप इतनी थी। मुझे सनबर्न हुआ है काफी अच्छा खासा, तो उसको सही होगा पता नहीं कितने दिन लगेंगे। अब यहाँ से बस शुरुआत हुई है, धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगा कैसे वीडियोस बनते हैं, कैसे क्या एक्सप्लोर करना चाहिए, कितना बोलना चाहिए वीडियोस में। धीरे धीरे आपके साथ चलता रहेगा ये कारवा, आप बने रहिएगा मेरा सपोर्ट बन के, मैं आपके लिए ऐसी चीजें लाता रहूंगा, ट्राई करूंगा कि यूनिक हो, बस आपका सपोर्ट चाहिए और चांस चाहिए। तो अभी मैंने काफी कुछ बोल लिया है, अब मैं बचा लेता हूँ अगले वीडियो के लिए और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग टकलू ब्लॉग्स, थैंक यू।